नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। चीन से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने करीब 12 करोड़ 31 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। 27 लाख 14 हजार से ज्यादा लोगों की जान चली गई, लेकिन कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं रही। WHO की टीम लगातार चीन और आसपास के इलाकों में कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति का पता लगाने में जुटी है। आज तक में छपी खबर के मुताबिक अब एक नया खुलासा हुआ है। खुलासे में दक्षिण पूर्व एशिया और जापान में कोरोना वायरस के जुड़े स्ट्रेन चमगादड़ों और पेंगोलिंस में देखने को मिले हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल में प्रकाशित खबर के मुताबिक हाल ही में हुई 4 स्टडीज में इस बात का खुलासा हुआ कि दक्षिण पूर्व एशिया और जापान के चमगादड़ों और पेंगोलिंस में काफी मात्रा में कोरोना वायरस की मौजूदगी मिली है। इन दोनों जीवों में कोरोना वायरस का एवोल्यूशन बेहतरीन तरीके से हो रहा है। एक अन्य स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस के एक अमीनो एसिड में आया बदलाव ही इसे इंसानों के लिए खतरनाक बनाता है। अमीनो एसिड ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी वजह से प्रोटीन का निर्माण होता है। हालांकि अब पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अब ये पता लगाना बेहद मुश्किल है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति कहां से हुई। दूसरा, भविष्य में आने वाली महामारियों से कैसे बचें। इन सभी अध्ययनों और WHO की जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों में ही पनपा है, वहीं इवॉल्व हुआ और उसने प्राकृतिक तौर पर इंसानों को संक्रमित किया। हालांकि इसके बीच किसी एक ऐसे जीव ने माध्यम का किरदार निभाया है जिसका वास्ता चमगादड़ों और इंसान दोनों से पड़ता है। इन स्टडीज से इस बात का खुलासा भी हुआ है कि क्यों WHO की टीम 4 हफ्ते तक चीन के वुहान में कोरोना वायरस के जन्म लेने और महामारी बनने के सबूत ढूंढ रही थी, जो खोजबीन फरवरी में खत्म हो चुकी है। अब WHO चीन के साथ अन्य एशियाई देशों का भी नाम ले रहा है ताकि वहां भी कोरोना वायरस की खोज की जा सके। यहां कोरोना वायरस की उत्पत्ति की खोज चल रही है, उधर दुनिया में अब हाइब्रिड कोरोना वायरस फैल रहा है। हाइब्रिड कोरोना वायरस 2 नए कोरोना वायरस के वेरिएंट से मिलकर बना है। ये इंसानों से इंसानों में फैल रहा है। जॉर्जिया के अटलांटा स्थित एमोरी यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डेव वैन इंसबर्ग ने इसका खुलासा किया। उनका कहना है कि ये कोरोना वायरस का इवोल्यूशनरी बदलाव है। चिंता की बात यह है कि वैज्ञानिकों को ये नहीं पता कि हाइब्रिड कोरोना वायरस किस इंसान को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इस पर नए वैक्सीन काम करेंगे कि नहीं ये भी नहीं पता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।